कुछ ऐसी दिखती है कसौली की माल रोड। आओ हम चलते हैं चाय की तलाश में। यार मुझे कॉटन कैंडी खिला दो। चाय ढूंढते हुए ओके गाइज, अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है और हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है। ये वासु है, से हाय। ये हमारी सारी पैकिंग हो गई है, सब लोग अब कार। हाय गाइज, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप अगर कसौली प्लान कर रहे हैं तो आप कसौली कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहला एंड बेस्ट तरीका है कि आप अपनी पर्सनल कार से आइए। दूसरा तरीका बड़ा ऑब्वियस कि आप टैक्सी लीजिए, टैक्सी से आइए। तीसरा है कि आप चंडीगढ़ से कोई भी शिमला की बस पकड़ो, फिर कसौली का चौक पड़ता है रास्ते में शिमला से काफ़ी पहले, तो उस चौक पे आप उतर जाओ, वहाँ से लोकल बस लो जो कि आपको कसौली ड्रॉप कर देगी। और एक तरीका और है कि आप अगर ट्रेन से आना चाहते हो तो कालका से आप टॉय ट्रेन लीजिए। टॉय ट्रेन आपको कसौली से 10 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पे छोड़ देगी, वहाँ से आप लोकल बस या लोकल टैक्सी लेके कसौली आ सकते हैं। तो ये जो चर्च आप देख रहे हैं ये कसौली का ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना चर्च है। शिमला का जो चर्च है उससे भी पुराना ये कसौली का चर्च है, यही इसकी स्पेशलिटी है और काफ़ी खूबसूरत है। जब आप अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देंगे, आप पार्किंग का बता देता हूँ, आप जैसे ही कसौली में एंटर करेंगे पार्किंग स्पॉट पड़ता है वहाँ पे, जिसके नीचे बस अड्डा भी है, तो वहाँ पे आप कार पार्क कीजिए। सबसे पहला विजिट आप चर्च का करिए, चर्च का विजिट करने के बाद फिर मैं आपको आगे का गाइड करता हूँ। देखिए, जैसे ही आप चर्च से बाहर निकलेंगे तो चर्च से बाहर निकलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे रोड जाती है जिस पे आप देखेंगे कि गाड़ियाँ वगैरह भी चल रही होंगी। अगर आपको अपनी पर्सनल गाड़ी से जाना है तो मंकी पॉइंट एक है यहाँ पे, जो कि घूमने लायक है, काफ़ी हाईएस्ट पीक पे वो पॉइंट है जो कि हनुमान मंदिर के लिए फेमस है, तो वो पॉइंट पर आप पहले विजिट कर लीजिए टैक्सी अपनी पर्सनल कार से। अगर आपको कसौली, क्योंकि एक छोटा सा हिल स्टेशन है, अगर आपको ट्रैक करके ये विजिट करना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप ट्रैक करके ही एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है छोटा सा। एंड मेक श्योर यू स्टार्ट दिस ट्रैक फ्रॉम दिस मॉल रोड, एंड इसके पीछे से आपको पैदल का रास्ता मिलेगा एंड वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रैक, जिसमें आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। जो चर्च के बराबर से रास्ता जाता है वो टैक्सी एंड गाड़ी के लिए है, जिस जो कि आपको सीधे मंकी पॉइंट पर ले जाता है। जब मॉल रोड से आप ऊपर की तरफ ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे विद वेरी ब्यूटीफुल व्यू, एंड ये सारे पॉइंट्स सिक्योर्ड एंड मेंटेन्ड बाय कैंट ऑफ कसौली। एंड उसके बाद हम यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे आए, ये वाला पॉइंट सनसेट पॉइंट है जहाँ से सनसेट का बहुत ही प्यारा नज़ारा मिलता है देखने को।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. जब आप और आगे चलोगे तो आपको एक गिल्बर्ट ट्रेल ट्रैक पॉइंट मिलेगा. ये हम यहाँ पे चले थे एंड यहाँ से व्यूज बड़े अमेजिंग हैं. इसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन आप एक नेचर में वॉक करते हो पहाड़ों के बीच, आपको अलग ही फीलिंग आती है. व्यूज भी काफी अमेजिंग रहते हैं. मंकी पॉइंट, जो कि मंकी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है. सो अब कसौली से हम अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम अपनी गाड़ी उठाएंगे और शिमला के लिए निकलेंगे. यहाँ के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो भी थे कसौली के हमने कवर कर लिए हैं. पॉइंट्स के नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं. अभी ये स्ट्रीट है, ये बैक साइड की है जो कि पार्किंग की तरफ जाती है. अब हम यहीं से अपनी पार्किंग में जाएंगे, कार उठाएंगे और निकलेंगे शिमला के लिए.